लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Thank you.
से काम करते चले आए, अब तो हॉकर्स उजड़ गए हैं। इसके बारे में 4 मई, 5 मई, 6 मई 2016 में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी और कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान और कई मुसलमानों का जो है नुकसान हुआ था। आज भी वही उसी तरह की कार्रवाई हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, मेरी तो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि आज तक के महापालिका ने जो कार्रवाई की है वो इलीगल की है, पहली बात। दूसरी बात, आज तक के उन्होंने कार्रवाई करने से पहले प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत ना महापालिका ने किसी दुकानदार को नोटिस दी है, ना बिल्डिंग वालों को सही तरीके से कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ के हिसाब से बसाया है। आज भी मुमरा के अंदर जो 2016 में मई महीने में जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के तहत आज तक किसी का पुनर्वसन भी नहीं हुआ है दुकानदारों का। और दुकानदारों का पुनर्वसन नहीं होने की वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा मसला उनका रोजगार का था। आज वो लोग तो करोड़ों रुपए की दुकानों से भी हाथ धोना पड़ा, रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, तो जब ये कार्रवाई होती है तो यहाँ के विधायक गायब रहते, यहाँ के नगर सेवक गायब रहते, ये कार्रवाई के टाइम पे वो लोग सामने आते नहीं है, जबकि उनका फर्ज बनता है कि हमारे शहर में कितना बड़ा डीपी प्लान है, क्या है सब आप हमको बताओ, और क्या कार्रवाई करना है, किधर तक करना है, वो सारी चीज़ों की उन लोगों से सारे सबूत ले हुए, दस्तावेज ले हुए, उसके बाद में काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा ये लोग कोई नहीं करते, बल्कि इन लोग मिली साजिश महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में करके सिवाय शहर को बर्बाद और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला इनकी तरफ से। और आपने पूछा हॉकर लोगों के बारे में, तो हॉकर लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2014 में इसके लिए कायदा नियम आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किए कि जितने भी हॉकर लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर, उनके लिए कायदा और नियम बनाने के बाद उनकी सबसे पहले व्यवस्था की जाए, कायदा और नियम के तहत उनका रोजगार पहले बसाया जाए। अगर इनका रोजगार आप लोगों ने नहीं बसाया तो ये लोग बहुत बड़े गुनाहों पे, ये लोग बहुत बड़े गंदे कामों पे और ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं। जबकि इन लोगों की इज्जत करो, इनको सम्मान दो और इनका सम्मान इनको मिलना चाहिए। ये कानून बन चुका है, उसके बावजूद भी ठाणे महानगर पालिका संजय जायसवाल इनके कानों पे जू तक रेंगती नहीं है। छोटे खटारे कुछ भी डीपी प्लान लेकर आते हैं, कहीं पे 72 फीट का प्लान बताते हैं, कहीं पे 45 फीट का प्लान बताते हैं और इसको महामार्ग बताते हैं, जबकि ये अब महामार्ग रहा नहीं है, ये ऑलरेडी महामार्ग जो है ये महापालिका ने टेक ओवर कर लिया है। और महामार्ग के लिए इन लोगों ने जो बाईपास निकाला है उधर से वो सारी ट्रैफिक उनको निकालना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात, तो एमएमएलई से जो रास्ता निकलना है
वो रस्ते के ऊपर भी आज तक इन लोगों ने कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। जबकि महापालिका की तरफ से वो रस्ते का डीपी प्लान बन चुका है, तो ये महापालिका खुद जो है वो एक तरीके से मुंब्रा कौसा शहर वासियों को यहाँ के MLA और यहाँ के नगर सेवकों के साथ मिली भगत करके सिवाय नुकसान पहुँचाने के अलावा कोई काम नहीं करती है। अगर मेरी बात गलत है तो मेरा चैलेंज है, मैं सारे पेपर सामने रखता हूँ, वो लोग आवे और मेरी बात का जवाब दे। हनीफ भाई, आपने कहा कि इस तरह से जो है हॉकर्स को बर्बाद किया जा रहा है, शहर को बदनुमा बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन की थी कि यहाँ पर चलना मुहाल हो जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है और रोड को जो है ना रोड वाइंडिंग करके चौड़ा बनाना चाहिए, चाहे दूसरे के लिए हो रहा है ये सब। देखिए हाँ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ट्रैफिक भाई, ट्रैफिक की समस्या जो है वो सारे शहर के सारे सिटी में शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटा तो रहती है, चाहे वो थाना हो, कलवा हो, कोई भी हो, सब जगह पे समस्या रहती है। और हमने भी ये कहा कि हॉकर लोगों को अगर बसाना है तो उनके लिए बाकायदा हॉकर जोन बना के दिया जाए, जगह जगह के ऊपर उनकी एक हद कायम किया जाए। ये नहीं कि ट्रैफिक का मसला लेके किसी का रोजगार उजाड़ा जाए, ये नहीं कि ट्रैफिक का या रास्ता रुंदीकरण का मसला लेके किसी की दुकानों को तोड़ा फोड़ा जाए, उनको बर्बाद किया जाए। और इसी तहत मैं तो सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि जब कानून बन चुका है तो ठाणे महानगर पालिका वो कानून पे अमल क्यों नहीं करती है? आप इसके बाद आप क्या करेंगे जब इन्होंने सब बर्बाद कर दिया? देखो, इन्होंने बर्बाद किया है तो विकास, वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, नहीं नहीं ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और हमने इसके ऊपर निरंतर बाकायदा पेपर वर्क से काम चालू रखा है और आगे भी मुंब्रा कौसा की आवाम के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक RTI कार्यकर्ता के हैसियत से काम करते रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हमको जरूर कामयाबी मिलेगी। और हमारे ये मसले के लिए हुकूमती सतह के ऊपर कोई भी पार्टी हो, हम वहाँ तक ये आवाज़ लेके जाएंगे सबके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे जो कमिश्नर ने और जितेंद्र अवार्ड ने मिली भगत करके जो कब्रिस्तान की जमीनों का हेरफेर किया है, उसके लिए भी इस वक्त हाईकोर्ट में 2 मामले पहुँच चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे मंत्रालय तक आवाज़ पहुँच चुकी है। शुक्रिया, थैंक यू।